गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा तीन में प्रश्नावली आठ के आगे आठ सवाल जो कि हम लोगों ने लास्ट वीडियो में लगाए थे, और अब हम सवाल नंबर नौ जहां से रिक्त स्थान भरो पेज नंबर आठ से स्टार्ट करेंगे। तो इसमें कुछ आपको रिक्त स्थान दिए गए हैं जिनमें आपको कुछ मान भरने हैं, उन पर हम चर्चा करेंगे, वो सॉल्व करेंगे। तो सवाल नंबर नौ को अगर हम देखें, सवाल नंबर नौ में लिखा हुआ है डैश डैश सप्ताह बराबर 56 दिन। तो बेटा एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं और 56 दिन के लिए 56 दिनों में कितने सप्ताह बनेंगे। तो 56 को हम 7 से अगर विभाजित कर दें तो 7 × 8 = 56 होता है, यानी कि नवे सवाल में डैश डैश जो ब्लैंक है वहाँ पे क्या लिखेंगे, 8 सप्ताह। ठीक है, 8 सप्ताह बराबर 56 दिन। ठीक है, सवाल नंबर दस में लिखा है 72 वस्तुएं, कोई जगह 72 वस्तुएं बराबर कितने दर्जन बनेंगे। तो बेटा एक दर्जन में 12 वस्तुएं होती हैं, तो 72 वस्तुओं के कितने दर्जन बनेंगे। तो 72 को हम 12 से विभाजित कर देंगे, तो 72 को जब हम 12 से विभाजित करेंगे तो बनेगा 12 × 72, यानी 12 का पहाड़ा जब हम 6 बार पढ़ेंगे तब 72 आएगा। तो इसमें लिखेंगे 72 वस्तुएं हैं और इनमें कितने दर्जन बनेंगे, 72 वस्तुओं के 6 दर्जन बनेंगे। ठीक है, 12 से विभाजित करेंगे तो 6 आएगा। ठीक है, अब हम सवाल नंबर 11 करते हैं। सवाल नंबर 11 लिखा है 740 पैसे बराबर कितने इसमें रुपए बनेंगे और कितने पैसे बचेंगे। ठीक है, तो बेटा 740, देखिए 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, यहाँ पर 740 पैसे हैं, तो 40 हटा दो तो कितने बचे, 700 पैसे। 700 पैसे के रुपए कितने बने, 7 रुपए, है ना भाई। 1 रुपए में 100 पैसे तो 7 रुपए में 700 पैसे बचा कितना, 40। ये 40 यहाँ पर। ठीक है, सवाल नंबर बारह में लिखा है 1 किलोग्राम बराबर, नॉर्मल सी बात है, आपने आपने आपको बता दिया था कि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, हमने आपको पहले बता दिया 1000 ग्राम। फिर सवाल नंबर तेरह की बात करें, 85.55 रुपये, 85.55 रुपये में कितने रुपए और कितने पैसे, कितने रुपए और कितने पैसे बनते हैं। तो देखिए 85.55, ये बेटा जो दशमलव लगा होता है हमेशा दशमलव के बाद वाले पैसे होते हैं और पहले वाले रुपए होते हैं, यहाँ पे 85 ये रुपए हो गए और इधर बात वाले पैसे हो गए, ये 55 पैसे। ठीक है, फिर सवाल नंबर चौदह में 48 मास बराबर कितने वर्ष, 48 मास बराबर कितने वर्ष। ठीक है, तो 48 मास बराबर कितने वर्ष, देखिए एक वर्ष में कितने मास होते हैं, 12 मास होते हैं, तो 48 मास में कितने, 48 को 12 से जब विभाजित करोगे तो 4 आएगा, 12 × 1 = 12, 12 × 2 = 24, 12 × 3 = 36 और 12 × 6 = 48। ठीक है, तो 48 मास में 4 वर्ष बनेंगे। ठीक, ये 4 वर्ष। फिर 14 के बाद सवाल नंबर पंद्रह है डैश सेंटीमीटर, कितने सेंटीमीटर में 4 मीटर बनेंगे, कितने सेंटीमीटर में 4 मीटर बनेंगे। तो बेटा इधर से लगाते हैं, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 4 मीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे, 4 बात खत्म हो गया। सवाल नंबर सोलह में 265 मिनट बराबर कितने घंटे और कितने मिनट। तो 265 मिनट है टोटल, इसमें देखते हैं ध्यान से, 265 मिनट में पहली चीज़ तो 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो पहले इसको घंटे बदलेंगे, तो 265 को 60 से जब हम विभाजित करेंगे तो आएगा 60 × 240, और फिर उसके बाद 25 बच जाएगा, क्योंकि 240 में 25 बचेगा तब 265 बचेगा। ऐसे कर सकते हैं आप, जल्दी करें, ऐसे इसे हम लोग कर सकते हैं, 265 है, इसको जब 60 से डिवाइड करोगे तो 60
चौके 240, ये पांच बचेगा, छह से चार गया दो और दो कैंसिल, तो चार घंटे बन जाएंगे और जो बचेगा वो मिनट रह जाएगा, ये हो जाएगा 4 घंटे और 25 मिनट। ठीक है बेटा, अब हम उठते हैं सवाल नंबर 17 की तरफ। सवाल नंबर सत्रह, 2 लीटर बराबर कितने मिलीलीटर, हमने स्टार्टिंग में बता दिया था कि 1 लीटर में कितना होता है, 1000 लीटर होता है, मिलीलीटर होता है, तो 2 लीटर में 2000 मिलीलीटर होगा, 2000 मिलीलीटर होगा। ठीक, अब सवाल नंबर 18 और इस प्रश्नावली का लास्ट सवाल है, 505 सेंटीमीटर में कितने मीटर और कितने सेंटीमीटर बचेंगे। तो बेटा 505 सेंटीमीटर है हमारे पास, हमें पता है कि 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर होता है, तो 500 सेंटीमीटर बराबर 5 मीटर होगा। ठीक, तो पहले 500 सेंटीमीटर हमने कर लिया 5 मीटर, ठीक है, और फिर 500 सेंटीमीटर से मान लीजिए तो 5 बचेगा, है ना, तो ये 5 मीटर और 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो बेटा इस प्रकार से आपकी ये प्रश्नावली 8 यहाँ से खत्म हो जाती है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 9 पर चर्चा करेंगे, तब तक के लिए आप लोग सवालों को लगाते रहें, एक्सरसाइज करते रहें, अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप लोग मैसेज कर सकते हैं, आपको उसका प्रॉपर सोल्यूशन दिया जाएगा, और उम्मीद आप सब घर पर पढ़ रहे होंगे, और घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, धन्यवाद।